हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो पढ़ाई बीच मस्ती। दोस्तों, पढ़ाई बीच मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पढ़ूंगा वो है लेक्चर नंबर 6 में। वो टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन पक्का आएगा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, और इस लेक्चर में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर में एक और दे दूंगा, जिससे कि आप लोग खूब ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तीन आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटीज, दूसरी और तीसरी, तीन आइडेंटिटीज हैं दोस्तों जिसको मैं लिखने जा रहा हूं। पहली दोस्तों है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। पूरे ट्रिग्नोमेट्री की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, और दूसरी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है दोस्तों वो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों तीसरी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं, अब जैसे ये आइडेंटिटी हो गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे दोस्तों दो आइडेंटिटीज और फॉर्म्ड होती हैं। कैसे दोस्तों? अब सपोज करिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला जाऊंगा तो ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों मैं लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, इससे जो फॉर्म्ड होगी दोस्तों आइडेंटिटी वो हो जाएगी, अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी ये हो गई। और दोस्तों इसी से इस बार मैं साइन को ले गया, इस बार मैं कॉस के ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों 1 माइनस, देखिए प्लस में है कॉस तो इधर जाएगा, माइनस में आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों दोस्तों इस आइडेंटिटी से ये दोनों आइडेंटिटी बनाई गई है, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर याद कर लेंगे तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ अपने से हम लोग फॉर्म्ड कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन है। अब दोस्तों दूसरी जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है उससे भी तो आइडेंटिटी बनी है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर 1 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो आइडेंटिटी बन रही है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दोस्तों बन रही है। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगर 1 को इधर ले जाऊं दोस्तों तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस में है माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी से एक आइडेंटिटी और बन जाएगी। और दोस्तों हम कुछ इधर उधर तो अब कर ही नहीं सकते, नहीं और आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो सकती थी, लेकिन इसमें टोटल तीन तीन चीज़ है तो तीन ही आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से मैं आइडेंटिटी फॉर्म करूंगा। सपोज करिए कि इस कॉट को अगर मैं उधर ले जाऊं तो इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा ना दोस्तों, तो इधर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो बचेगा ना दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर 1 बच रहा है तो इधर 1 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और इसी आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी फॉर्म्ड होगी, जो वो आइडेंटिटी होगी दोस्तों हम लोग इस बार 1 को इधर ले जाएंगे अगर तो इधर क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। दोस्तों ये 9 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गई हैं, जो कि हम 3 अगर याद किए रहेंगे, पहली दूसरी तीसरी, तो उससे हम लोग 6 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ और फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ये आइडेंटिटीज़ आप लोग याद कर लीजिए, और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो छोटी हैं वो मैं साइड में लिखवा देता हूँ, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनता है वो भी मैं बताऊंगा। कुछ दिया रहता है, बोलता है प्रूव दैट ये बराबर ये, सपोज कर लीजिए दिया रहे प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई आइडेंटिटी इट इज इक्वल टू वन। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए मैं कुछ और आइडेंटिटी देखता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। दोस्तों अगर कहीं भी साइन थीटा लिखा रहेगा तो हम लोग उसको चाहेंगे तो 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार cosec थीटा अगर लिखा रहेगा दोस्तों तो 1/ उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, साइन का रेसिप्रोकल cosec, cosec का रेसिप्रोकल साइन। दोस्तों अब दोस्तों और जो दूसरी है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों cos थीटा को हम लोग चाहेंगे तो 1/sec थीटा लिख देंगे दोस्तों, और sec थीटा को चाहेंगे तो 1/cos थीटा लिखेंगे दोस्तों। ये सब प्रूविंग में दोस्तों हम लोग यूज करेंगे ये सब आइडेंटिटीज़। ठीक है दोस्तों, प्रूविंग में, और दोस्तों ये सब आइडेंटिटीज़ कंपटीशन में भी कभी कभार एक नंबर पे आ जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो अब दोस्तों यहाँ से आप लोग और एक आइडेंटिटी tan थीटा इज इक्वल टू दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहीं से दोस्तों जो आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है दोस्तों, वो बनेगी cot थीटा इज इक्वल टू दोस्तों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिर्फ इतनी ही आइडेंटिटीज़ हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, जो जिस जिनको हम लोग याद कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और इन्हीं सब आइडेंटिटीज़ को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, और जो बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा इसी सब आइडेंटिटीज़ से प्रूव होंगे दोस्तों। तो इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, आइडेंटिटीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम लोग जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों आइडेंटिटीज़ याद होंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को और कुछ बताना चाहता हूँ, जैसा कि दोस्तों मैं बताया था आप लोगों को ये दोस्तों, ये मैं वैल्यू आप लोगों को बताया था कि इसको कैसे याद करना था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू तो दोस्तों याद करना ही पड़ेगा, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब दोस्तों अगर कोई बोल दे कि कॉस 30 की वैल्यू बता दो, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 वाली, मतलब उसी की डबल वाली साइन की वैल्यू ला के बता दे तुम। अब दोस्तों अगर कोई बोल रहा है कि कॉस 30 की वैल्यू बता दो, तो अब दोस्तों 30 का डबल तो हम लोग कर नहीं सकते, 30 का हाफ कर नहीं सकते, 30 का डबल कर देते हैं तो साइन 60 वाली बात वैल्यू ला के हम लोग बता देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये सब याद करने की ट्रिक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है टैन थीटा, अब दोस्तों हम लोग टैन की वैल्यू ला सकते हैं यहाँ से, कहाँ से दोस्तों, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हमको कोई बोल दे दोस्तों, इधर मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बोल दे दोस्तों कि टैन 60 की वैल्यू फाइंड करो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो साइन 60 की वैल्यू दोस्तों कितना होता है, √3/2, आप देख लीजिएगा, होल अपॉन कॉस 60 की वैल्यू दोस्तों 1/2 होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी, टैन 60 की वैल्यू √3 दोस्तों आएगी। अब देखिए दोस्तों ये टैन 60 की वैल्यू √3 है। उसी तरीके से दोस्तों अब और कोई पूछता है कि कॉसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो कॉसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं
कॉसेक 30 इज इक्वल टू 1 बाई साइन 30 डिग्री। अब दोस्तों साइन 30 की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो कॉसेक 30 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों कॉसेक 30 की वैल्यू कहाँ से आएगी, 1 अपॉन कॉसेक 30 की वैल्यू दोस्तों 1 बाई 2 होती है। तो देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 1 ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं, तो 2 आ जाएगी वैल्यू। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 है दोस्तों। तो दोस्तों इस टेबल में सिर्फ क्या याद करने लायक है, साइन की वैल्यू। उसको हम लोग अगर साइन की वैल्यू को याद कर लूँगा तो सब हो जाएगा। साइन की वैल्यू याद कर लूँगा तो उसी का कॉस का उल्टा करता चला जाऊँगा। देखिए इधर 0 है तो इधर 0 है, इधर 1/2 है तो इधर 1/2, इधर 1/√2 है तो इधर 1/√2, इधर √3/2 है तो इधर √3/2, इधर 1 है तो इधर 1 है। और टैन कॉट से कॉसेक की वैल्यू दोस्तों हम लोग इन सब फार्मूलों से निकाल लूँगा। टैन की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दोस्तों सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, और कॉस की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा भी कर देंगे अगर हम लोग को याद रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं सोचा कि इस समय आप लोगों को बता दूं जिससे कि आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ साइन की आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दोस्तों लेकिन ये बात कोई भी टीचर बताता नहीं है जो मैं बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक कितना आसान तरीके से मैं आपको बताऊँ दोस्तों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे दोस्तों दिया हुआ है प्रूव दैट, दोस्तों चाहे प्रूव दैट बोले चाहे शो दैट बोले, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, प्रूव दैट sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों हमको प्रूफ करना है कि sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे दोस्तों सल्यूशन लिखेंगे। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, ये राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चलेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएंगे तो हो जाएगा प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लिए। अब दोस्तों प्रूफ करते समय हम लोगों को एक बात की ज़रूरत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, हम लोग साइन और कॉस को बहुत कम चेंज करेंगे, रेयर केस में चेंज करेंगे, नहीं तो हम लोग sec cot से cosec को ही चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जैसा कि अभी हम आपको दिखाए थे sec थीटा के जगह पे 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए sec थीटा की जगह पे 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं ना, तो अब दोस्तों इंटू 1 माइनस sin थीटा। दोस्तों sin और cos को हम लोग बहुत कम चेंज करेंगे, ये मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, बार बार नहीं बताऊँगा। और दोस्तों अब फिर मल्टीप्लाई है, sec थीटा को फिर से हम लोग चेंज करेंगे 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा। दोस्तों हम लोग, मैं भी आपको बताया हूँ, देख लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब मैं बार बार ये पेज नहीं आगे लाऊँगा, आप लोग नोट किए हों तो देख लीजिएगा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों मैं इसको अलग लिख सकता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ दोस्तों, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग। कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं स्टेप वाइज स्टेप चलूँगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ देखो कॉस थीटा सेम है तो एलसीएम कॉस थीटा ही होगा। अगर डेनोमिनेटर सेम होता है दोस्तों तो न्यूमरेटर
अगर यहाँ पे ऐड है तो ऐड हो जाएगा, अगर सब्सट्रैक्स है तो सब्ट्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एडिशन है तो ऐड वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों? अब दोस्तों इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन यही तो कहता है ना दोस्तों। देखिए वन माइनस साइन थीटा, ब्रेकेट दोस्तों जरूर लगाइएगा जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुई, और वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों अगर कोई बोल दे कि टू की स्क्वायर क्या होगा, टू इंटू टू, फाइव का स्क्वायर क्या होगा, फाइव इंटू फाइव दोस्तों, तो उसी प्रकार कोई बोल दे कि कॉस का स्क्वायर क्या होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही बात तो मैं लिखा हूँ ना दोस्तों, कोई बड़ी बात तो लिख नहीं दिया हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, ठीक है दोस्तों? वही तो है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लग रहा है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। मैं फार्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? वन का स्क्वायर वन ही होगा इसलिए मैं वन लिख दिया हूँ, ठीक है दोस्तों? कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा आप लोग। और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन लगभग लगभग हो चुका है दोस्तों, ठीक है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी देखिए मैं दोस्तों आपको बताया हूँ कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से दोस्तों मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा कट के वन आ जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू आर एच एस लिख देंगे, चाहे नहीं लिखे भी लिखेंगे, प्रूव्ड लिख देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों यहाँ से मैं और करके आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ से और भी मैं कुछ कर सकता था, ठीक है? अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सपोज करिए हमको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फार्मूला नहीं याद हो पा रहा है, भूल गए हैं, तो कैसे कर सकते हैं इसको दोस्तों? इस पूरे को दोस्तों मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो बनेगा ना दोस्तों, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा, इस स्टेप को मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा मैं बताया हूँ सेक स्क्वायर थीटा, माइनस दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोस्तों मैं बताया हूँ टैन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों इतना हो गया, अब इतना हो गया तो दोस्तों यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। देखिए मैं दोस्तों पूरा अप्लाई करवा के, एक ही क्वेश्चन में पूरा चीज़ अप्लाई करवा के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से कर सके, ठीक है दोस्तों? इसकी वैल्यू वन टू प्रूव, ठीक है दोस्तों? कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग बताइए, अगर दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पे, कोई भी क्वेश्चन पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए, और दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा आपको लग रहा है दोस्तों उस पर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अगर हमारे अंदर कोई और कमियाँ हो तो मैं जिससे इम्प्रूव करूँ और आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊँ, ठीक है दोस्तों?